हाय फ्रेंड्स, तो आपने ये सॉन्ग सुना हो, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी सुनी होती है कि एक लड़का होता है जो बचपन में, तो वो बचपन में खेलते हैं, वो उसे बहुत पसंद करता है। तो जवानी के दिन याद आते हैं, तो वो उसकी एक डायरी में उसकी लिखा होता है कि तुम बड़े होकर मुझसे शादी करना है। तो वो डायरी में लिख लेता है, फिर वो डायरी में लिख लेता है। फिर जब भी उसी दोस्त का कॉल आता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, एक सरप्राइज न्यूज़ है और इस होटल में आ जाओ, तो वो होटल में खुश होकर वो बहुत सर दर्ज कर बढ़िया खुश होकर होटल की निकलता है, बढ़िया गाड़ी माड़ी लेकर फिर वो निकल जाता है। तो निकलने के बाद वो सीधा उस होटल में बढ़िया अच्छा किट काट में बनाकर वो हीरो निकल जाता है। और जाकर वहाँ देखता है तो उसी लड़की को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। तो उसे देखकर बहुत दिल में ठेस पहुँचती है। फिर वो लड़के देखते हैं कि हाँ, आजा मुझे आपसे इससे मिलवाने वाले, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तो वो तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो सीधा रोते हुए निकल जाता है घर पर निकल जाता है। तो घर पर निकलने के बाद वो सीधा पहुँचता है, फिर उसे याद आता है जिसे मैं प्रपोज कर रहा था उसी ने और कोई प्रपोज कर रहा है। तो फिर उसके बाद वो चला जाता है दुखी होकर। फिर वो बैठकर बहुत सारी ड्रिंकिंग करता है, दारू वगैरह पीता है। तो वो इसी हालत में वो जाता है। तो ये तो बस से टकराता हुआ एक लड़की उसे बचा ली थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो वही लड़की होती है जो एक वो लड़का फिर एक लड़की अलग से होती है जो उसे बहुत पसंद करती, जो बचपन में भी उसे बचाया करती थी। फिर वो देखता है कि ये वो दुखी चल रहा है। तो वो दुख कर देखती थी कि हाँ, ये उसे बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। तो वो लड़की एक घर पर पीने के दारू मारू वगैरह पीकर सो जाता है। सोने के बाद अचानक उठता है तो उस लड़की का साड़ी का कार रखा जाता है, जो कह रही है जाके रोको। तो उसकी साड़ी में पहुंचता है और साड़ी में पहुंचता है ऐसा फिर उधर पता चलता है कि उसकी साड़ी है। तो वो कहते हैं कि तुम उससे वादा किया था, तुम साड़ी क्यों कर रही हो। तो वो कहते वो बचपन की बात थी, इसे छोड़ो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर उसे उस डायरी को नीचे फेंक कर उसके ऊपर पैर धर कर सीधी निकल जाती है वो लड़की। तो उसे बहुत दुख लगता है, फिर आखिर में वो उसे देखता रहता है। फिर आखिर में उसकी शादी हो जाती है और फिर वो चली जाती है सीधी। फिर वो सीधी दुख कर देखता है और वो चली जाती है। चली जाने के बाद वो उसे फिर उसके बाद वो चली जाती है, फिर उस लड़के से उसके शादी होकर वो सीधा फिर उसे और गौर से देखता। फिर वो कहते हैं, फिर इसके बाद वही लड़की उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो जिस लड़की को वो लड़का पसंद कर रहा था वो से नहीं मिली, लेकिन लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वो से मिल जाता है। और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। दी एंड।